ससुर जिन्होंने अपनी बहू को रात बीते जुखाम देने की कोशिश की। ससुर को ये पता था दोस्तों कि बहू की शूटिंग है, लेकिन फिर भी माने नहीं, आके सुनू सुनू बहू के सामने किया और ससुर की साजिश कामयाब। आगे देखते रहिए सनसनी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज गए हैं 12। सुबह का दिन नहीं कहते इसको, दोपहर का दिन कहते हैं। बहुत काम है आज दोस्तों, बहुत काम करते करते आज का ब्लॉग भी अब स्टार्ट किया है। देखते रहिए अंत तक ब्लॉग में क्या होने वाला है। सनसनी, कुछ बताओ ना कि वो जो मर्डर के वक्त क्या वो करते हैं। दोस्तों कल रात जब मैं सोई तो अंधेरे में खड़खड़ की आवाज हुई तो देखा कुत्ता उछल रहा था। कुत्ते ने उछलते उछलते दूसरे के बेड पे छलांग मारी तो मालूम पड़ा कि वो आदमी नहीं कुत्ता ही था। कुत्ते ने कुत्ते पे झपट्टा मारा और दोनों ने एक दूसरे का खूनम खून कर दिया। दोस्तों कहने की बात ये है, आगे देखिए सनसनी। आगे देखिए सास ससुर। आप मिलिए हमारे सास ससुर से। हेलो, जय रहे। गुड मॉर्निंग। ससुर जिन्होंने अपनी बहू को रात बीते जुखाम देने की कोशिश की। नहीं, मैंने नहीं दिया जुखाम, बहू को तो हमेशा जुखाम ही जुखाम रहता है। बहुत ही जुखाम थे, बहू को जुखाम रहता है, लेकिन ससुर ने और दे दिया। बहू लिपटी रही बाम के अंदर, सोने में सुहागा हो गया ना वो। और सनसनी दोस्तों कि ये ससुर और इनकी बहू सिट्रीजन पे ही जिंदा है। सिट्रीजन पे सिट्रीजन सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो इन्हीं दोनों के लिए हो रहा है। वो देखिए, हमारी सास को लगा हंसी का झटका और सास पीछे को गिरी थी, फिर संभली है और फिर गिरी है। राजेश, सास संभल नहीं पा रही है। सास ससुर दोनों सिट्रीजन पे जिंदा है। सास ने चल रहा है। सास ने संभलते संभलते ये मालूम किया कि ये तो व्लॉग में है, अब संभल के गुड मॉर्निंग बोलेंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब खत्म होने वाला है, 5 मिनट लेट ही हो रहा है। बहुत टाइम हो गया था दोस्तों व्लॉग स्टार्ट किए हुए, लेट हो गए। और ये रहा जिसने सबका खून पिया है। अरे कुत्ता फिर भौंका। कुत्ते के भौंकने की वजह कुछ भी हो सकती है दोस्तों। इस घर के अंदर के छुपे कई राज हैं जो आपके सामने नहीं है। कुत्ता क्यों भौंका? कुत्ते ने भौंकते हुए क्या बताने की कोशिश की? क्या मालिकों ने इसको समझा? नहीं। आगे देखते रहिए सनसनी। सास ससुर। हाँ, आगे देखते रहिए सास ससुर और सनसनी। मेरे पीछे सब दर्द होने लग गया, नसें सारी फट रही हैं मेरे सास के। बीती रात ससुर ने जुखाम दे दिया। बीती रात ससुर ने बहू को जुकाम दिया और बहू को जुकाम लग गया। ससुर को ये पता था दोस्तों कि बहू की शूटिंग है, लेकिन फिर भी माने नहीं, आके सुनू सुनू बहू के सामने किया। यही सुनू सुनू का जो धुआं था वो बहू के नाक में गया और ससुर की साजिश कामयाब। बहू ने अगरबत्ती जला के ससुर को जुकाम दे दिया। आज बहू ने ठीक होते ही घर में अगरबत्ती जला दी। ससुर को है अगरबत्ती से प्रॉब्लम। आक्रोश में ले लिया बदला। दिखा बहू ने प्यार दिखाते हुए, प्यार से ले लिया बदला। अब मेरे वीडियो में मेरी जगह ये तुम ही करोगी। हेडलाइंस विदाउट हेड। अब मेरे वीडियो में फीमेल रिपोर्टर तुम रहोगी। हाँ, और कराना उससे कुछ और। और दोस्तों ये बता दे कि कुत्ते ने इस घर में सुबह सुबह इतना हवा हकते हकते पूरे घर में ढिंढोरा पिट गया कि कौन साफ करेगा। लेकिन बहू हार नहीं मानी, बहू सोती रही और जिसने करना था उसने भी नहीं किया। और सास ससुर भाग रही है मेरी सास को में से। दोस्तों पकड़ो, दोस्तों वीडियो वाले पकड़ो सास को। उसको लग गया मम्मी को।
तो दोस्तों आपको मैं चश्मे में इसलिए दिखाई दे रही हूँ, तो दोस्तों मैं आपको चश्मे में इसलिए मतलब चश्मा पहने हुए इसलिए दिखाई दे रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं और इसके आगे की बात अविनाश जी करेंगे। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं अगर आपको जानना है तो प्लीज चेक आउट आवर इंस्टाग्राम, क्योंकि ये आपको ब्लॉग में इतनी जल्दी पता नहीं चलने वाला। और इंस्टाग्राम पे तो कुछ पोस्ट ही नहीं करते हो, तुम करोगी ना पोस्ट? मैं नहीं करूंगी। और ये भी एक सरप्राइज होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग निकल रहे हैं, तो बेसिकली हमारी क्या है, शूटिंग है। मैं बता देती, नहीं नहीं क्यों नहीं बताऊंगी, चल यहाँ से, मैं झूठी क्यों बनूं लोगों के सामने। हम जिस शूटिंग के लिए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग एंड तक बने रहिए दोस्तों, आखिर तक ब्लॉग को देखिएगा कि हम काय की शूटिंग करने जा रहे हैं। और मम्मी पापा से विदा लेते हुए, पापा से दूर से ही मैं आशीर्वाद ले लूंगी क्योंकि पापा को जुकाम है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा मम्मी बेटा खुश रहो, खूब अच्छा से काम करके आओ, दोनों खूब ठीक है। ठीक है, छुटकी का ध्यान रखना मम्मी, एकदम चिंता मत करना, अपने काम पे ध्यान देना, ठीक है। और ये हमारे साथ आज जा रहे हैं अनूप, और ये रहे हमारे बैग। मम्मी ने बैग की तारीफ करी है अभी। सुंदर है ना, चलो सुंदर है, बिल्कुल हटके है ना। रास्ते में लोग पूछेंगे कहाँ से लिया है। कौन पूछेगा मुझे, जो भी मिलेगा टोल वाला पूछेगा कहाँ से लिया है। चलो बाबा चलो, बैग बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों के दोनों। तुम अब बताओ, मेरा जो मजाक बना रहे थे अब कैसा लगा? मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, सच्ची में अच्छे लग रहे हैं ना। मैंने कहा ना, मैं ये कब से ढूंढ रही थी बैग। कहाँ ढूंढ रही थी? मैं बस देखती रही थी, मैं ना रुकती नहीं हुई तो कहीं भी, तो मैं जहाँ पे गई थी कल सैंडल देख ही रही थी, मेरे को ये दिख गया अचानक। इस पे रिबन जो है लटका हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, है ना? हाँ। स्मार्ट लग रहा है। ये देखो ना, ये भी तो चेन भी तो है इसमें, ये हथकड़ी भी है। मतलब कोई खींचने की कोशिश करे और तो इसके हाथ में ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो और आसान हो जाएगा खींचना, मतलब है ना। नहीं नहीं, बैग चुरा सकता आसानी से। नहीं नहीं, ये नहीं कहूंगा। मेरा बैग जो लश्कारे मार रहा है देखो, हाँ धूप में और अच्छा लग रहा है, देखो रिफ्लेक्शन भी है लाइट का। तुमने कल बहुत मजाक बनाया था, अभी गाड़ी इस समय जल रही है बेबी। ओए होए, और मैंने तो हाफ पैंट पहनी हुई है। ध्यान से किसी भी चीज पे इस समय हाथ मत लगाना। तो जी, जैसे कि हमारी कोई भी यात्रा बिना कॉफी के खत्म शुरू भी नहीं होती और खत्म भी नहीं होती, तो वो हो गई है शुरू। सबसे पहले रास्ते में गाड़ी रोक के लाई गई है कॉफी। लाओ बेबी, वो व्हाइट वाला मेरा है। क्यों, व्हाइट वाला तो मेरा है। अरे मुझे कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें अच्छा वाला दे रही हूँ। वो मैं बताऊंगा कौन सा अच्छा है ट्राई करके। तो जी, हम लोग बीच रास्ते में पहुंचे और इतना घनघोर ट्रैफिक है, मैं आपको क्या बताऊं, और उतनी घनघोर धूप भी है। ये देख लो, पूरा रास्ता मैप में जो है लाल हो रखा है, एकदम लाल, ब्लड रेड, देख रहे हो बेबी, इतना ट्रैफिक है। हाँ देखो ना, पूरा ये जो ब्रिज है ये ट्रैफिक से भरपूर है। कौन सा हमें जाके वहाँ पे कपड़े धोने हैं? हाँ शूटिंग तो कल है, लेकिन आज तुम्हारी प्रैक्टिस करनी है ना। आएगी प्रैक्टिस एक्टिंग की? नहीं, क्यों, वर्कशॉप नहीं होगी? हम लोग रुके हैं रास्ते में नारियल पानी पीने के लिए, तो संभावना ने उनसे बोला है जो नारियल भेज रहे हैं कि पहले आप पानी दिखाओ नारियल में कितना है, तो नारियल में पानी तो काटने के बाद दिखेगा ना। 40 मांग रहा है ना, मेरे को 40 देने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी तो उतना हो, इससे अच्छा फिर बिस्लरी ना पी ले इंसान। अरे बिस्कुट सब मिल रहा है, पार्ले जी रख लो। नहीं नहीं, शूटिंग से पहले कुछ नहीं खा सकते। मैं नहीं, गुटखा लीजिए। गुटखा भी खत्म कर दिया इतनी जल्दी? भैया पानी, पानी कम था भैया, छोटा निकला। ऊपर पीना है तुमको? हाँ। ये दे दो, खाली वाला दे दो। भैया छोटा काट रहे हो, इधर हम दे दिया। तो जी, हम लोग आ गए हैं वादियों में एंटर कर गए हैं। 5 मिनट में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और ये देखो सामने एक ढीठ पहाड़ आ गया है। चाल, कितनी सारी भीड़ देखो, छोटा सा कोई बच्चा नहीं दिखा है, ये इधर बीच में गया छोटा बेबी। चेरी के भी बाल बिक सकते हैं, इनको इनसे बात करें क्या? हाँ। कुत्ते के बाल खरीदोगे, वो भेड़ ही है वो। हाँ भेड़ ही तो लगती है, उसके कान भी तो वैसे ही है। तो जी, हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो जी, हम लोग पहुंच गए अपने टेंट में। ये जगह आपने दोबारा पहले भी कभी देखी होगी हमारे ब्लॉग में, और वहीं पे हम लोग दोबारा पहुंच गए हैं, लेकिन जिस काम के लिए पहुंचे हैं वो कल से शुरू होगा। सो आपको अब बिना वेस्ट किए टाइम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। ऐसा लग रहा है कि उनके टाइम वेस्ट करने से ज्यादा तुम्हें अपना टाइम बचाना था, जल्दी बोल के खत्म करो। चीप ले रही है ना मेरे को। इसकी आंख में बोहो ने बोहडूबी ने नाक मार दी। वो कुत्ते थे ना इनके, उसने ना अपनी नाक मार दी, इतनी बड़ी नाक थी, आंख सुन ली मेरी। और कल शूटिंग है, एक आंख से करनी पड़ेगी अभी।